नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत पंजाब से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अब पंजाब में बेअदबी मामले पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना शुरू कर दिया। दरअसल पंजाब में बेअदबी मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अब कौन मुश्किलें खड़ी कर रहा है, अब तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, क्यों नहीं कदम उठा रही है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू अब उसी फॉर्म में नजर आ गए हैं जैसे वो कांग्रेस में रहकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते थे। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि नवजोत सिंह सिद्धू के मिजाज बदल गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू के बदलते मिजाज को देखकर तो ये माना जा रहा था कि पार्टी में हालात बहुत बड़े हद तक खराब होते नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से पार्टी में काम कर रहे थे उसको देखकर ये माना जा रहा था कि सिद्धू को पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू से जब इस्तीफा लिया गया उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ा सा संभलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात वो जानते हैं कि अगर उन्हें कांग्रेस से भी बाहर निकाल दिया गया तो उनका कहीं वर्चस्व नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी उनको लेने से रही नहीं, बीजेपी में वो जा नहीं सकते, तो कांग्रेस में रहकर ही उन्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, अब देखना होगा कि और किन मुद्दों पर ये आपको घेरते नजर आते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।